परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा भेजा। जब उस प्रभु के दास ने मेरे लिए दुआ की, वो विश्वास आ गया मेरे अंदर, मेरे अंदर चंगाई आ गई, वो चंगा करने वाला मेरे अंदर आ गया। उस वक्त तब से प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे चंगाई दी, मेरा ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन डॉक्टर ने जब मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ तो पूरी मेरी छोटी आंख और बड़ी आंख, वो उसका सिरा और उसका एंड जो था वो बिल्कुल गला हुआ था। वो सोच रहे थे कि कैसे बची अब तक, ये जिंदा कैसे थी। प्रभु मेरे को जिंदा रखे हुए थे क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए चुना था। और मैं उसके बाद जब मैं ठीक होके आई तो लोग वहां पर जहां पर मैं रहती थी श्रापण और पैटर्न भैया सुंदरनगर में रहते थे, तो वहां पर लोग जो हिंदू सिख लोग थे हमारे बहन भाई पड़ोसी, वो मेरे को आके पूछने लगे कि हाय तू कैसे वापस आ गया, तेरे को किसने चंगा किया, तेरे तो कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैंने फिर मैं बोलती थी मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। आस पास आकर मेरे को जब भी बोलते रहते थे कि तू मरने वाली है इसके तू प्रभु का नाम ले ले, वो लोग आके कुछ लोग सियाणों के पास जाने के लिए बोलते थे, कुछ लोग कुछ तबीयत करने के लिए बोलते थे कुछ। लेकिन मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन चाहे मैं प्रभु में इतनी मजबूत नहीं थी लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं ये जादू मंत्र पे नहीं विश्वास करूंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। उस वक्त जब मैं आई सुंदरनगर में तो वहां पर प्रभु के दास इनको प्रभु ने परमेश्वर ने उनको बचाया और ये सब नया जन्म इन्होंने पाया था। और इन्होंने मेरे को जब मैं बच्चा थी प्रभु में, क्योंकि हम जब प्रभु में जन्म लेते हैं तो वो हम दुनिया के पापों से छूटकर हमारा एक नया जन्म होता है, तो प्रभु ने इनको सिलेक्ट किया। इन्होंने मुझे वचन सिखाया और हर रोज इनके घर में प्रार्थना होती थी और ये मुझे बिल्कुल आत्मिक रूप से गाइड करते रहे। जबकि ना मेरा वहाँ कोई पास्टर था जहाँ मैं रहती थी, ना कोई कलीसिया थी। हमें धन्यवाद करना चाहिए पास्टर का, आपके पास पास्टर है तो धन्यवाद करो, ताली मारो इनके लिए। आपके पास है कोई आपको सिखाने के लिए, आपके पास चर्च है, चाहे आप उसकी वैल्यू करें ना करें लेकिन आपको याद आएगा, परमेश्वर याद आएगा एक दिन जब ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। आज परमेश्वर का जो अनुग्रह का समय है, ये करुणा का समय, जैसे परमेश्वर ने मेरे पे करुणा की दया की तो प्रभु आपके ऊपर भी दया करना चाहता है। क्योंकि शैतान जो है वो नहीं चाहता कि आप बीमारियों से चंगा पाए चंगाई पाए, वो शैतान नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्माओं से जो आजाद हो जाए और प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ल सूरत में बनाया था, लेकिन जब पाप आया तो एक तरफ शैतान ने अपना बीज उनके दिलों में बोया, एक तरफ परमेश्वर का बीज उनके अंदर था। तो चाहे इंसान आज पाप में है, सारी दुनिया पाप के अंधकार में है, हर कोई शांति की खोज में है, हर कोई ढूंढता है प्रभु को, लोगों ने अपने अपने रास्ते बना रखे हैं, कोई कुछ करता है अपनी शांति के लिए, कोई दान देता पुण्य देता है, बहुत लोग कुर्बानियां देते हैं, लेकिन किसी भी कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर हमारे गुनाहों का बोझ, हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र, अगर यूहन्ना की इंजील तीसरा अध्याय उसके 16 वचन में देखें, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब है मरने के बाद भी जीवन। आज लोग अपनी दुनियावी चिंताओं में फंसे हुए, किसी को चिंता नहीं है कि आज अगर मैं मर गया तो कहां जाऊंगा। मेरे भाई बहनों यहाँ के दुख तो कुछ भी नहीं है, वो दुख जो सदा का होगा वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो पाप में मरता है वो नरक की आग में जलेगा और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। वो नरक की आग, वो नरक का खून शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि उसने वो सब लोगों को भरमाता